मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच ई-लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अम्ब्रेला फ्रॉक। अम्ब्रेला फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें उसका नाप लिखना है। पूरी लंबाई ली 30 इंच, छाती 28 इंच, कमर 26 इंच और तीरा 12 इंच। इस नाप के अनुसार हमें ड्राफ्ट बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें लिया, यहाँ पे लिया ए ओ पूरी लंबाई। तो यहाँ पे हमें पूरी लंबाई लेनी है। पूरी लंबाई हमारी तैयार है 30 इंच। तो 30 में से हमें चोली घटा, ये घेरे का घटाना है और चोली दो भागों में इसको बांटना है हमें। तो इसमें क्या है कि चोली हमारी छोटी होनी चाहिए और घेरा हमारा बड़ा होना चाहिए। तो 30 में से हमने 12 इंच घटा लिया चोली के लिए। इसमें हमारा बच गया टोटल 18 इंच। ठीक है, 18 इंच का हमें ये घेरा रखना है और 12 इंच की चोली रखनी है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी की फ्रॉक बना रहे हैं, मान लीजिए छोटे बच्चे की बना रहे हैं हम, 2-3 साल के बच्चे की बना रहे हैं, उसके लिए हम 10 इंच की चोली रखेंगे और 10-12 साल के बच्चे के लिए 30 इंच हमारी लंबाई है तो उसके लिए हम 12 इंच की चोली रखेंगे। अगर अदरवाइज हम अपने लिए बनाएंगे बड़े, तो उसके लिए हम 15 इंच की चोली रखेंगे ताकि हमारी 14 इंच की चोली तैयार हो जाए। ठीक है, और बाकी जितनी हम लंबाई है उसका हम सबका घेरा रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे पूरी लंबाई 12 इंच। ओ भी लिया तीरे का दूसरा हिस्सा, ओ भी हमारा है 12, तीरा हमारा 12 इंच, 12 का आधा हो गया 6 इंच। बी सी लिया छाती का चौथा हिस्सा माइनस 1 इंच, चौथा हिस्सा हो गया छाती का 7 × 28 = 7 - 1 तो 6 इंच हो गया। ओ डी बराबर बी सी के। अब देखो डी ई छाती का चौथा हिस्सा प्लस में 1 इंच, इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। ए के कमर का चौथा हिस्सा जमा में 1 इंच, इसमें हमें इसमें भी 1 इंच प्लस हो गया हमारा। अब देखिए, ए से इसको हम आई करेंगे और इसको जे करेंगे। ए आई छाती का 12वां हिस्सा, तो 12 × 24 2.5 इंच हो जाएगा हमारा लंबाई में भी चौड़ाई में भी। अदरवाइज बड़े के लिए करेंगे तो हमारा हमें 3.5 इंच लेना होगा, जैसे उसकी जेस्ट बढ़े तो उसके लिए हमें 3 या 3.5 हमारा सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ओ जी छाती का 12वां हिस्सा, ये हमारे गले की चौड़ाई है, तो गले की चौड़ाई इसकी छाती 28 है, तो 12 × 24 2.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई होगी। ओ से पी छाती का 6वां हिस्सा, या फिर इच्छा के अनुसार गला हमारी इच्छा के अनुसार बनाएंगे हम, क्योंकि कभी कभी हम कॉलर का भी पहनते हैं और गोल गला भी पहन सकते हैं, इसलिए हमें गला अपनी इच्छा के अनुसार बनाएंगे। छाती का 6वां हिस्सा लेना हमें, यहाँ छाती 28 इंच है, इसको 6वां हिस्सा हमें यहाँ पे लेना है। 6 × 24 4.5 इंच हमारा तैयार है, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार या फैशन के अनुसार भी ले सकते हैं। अब देखिए घेरा, घेरा है इसकी पूरी लंबाई टोटल है हमारी 18 इंच। 18 इंच हमें तैयार रखना है और इसको हमें उरेब में मोड़ना है। ठीक है, अब पहले हमें डबल करना है, फिर हमें उरेब में मोड़ के 4 तह में इसकी कटिंग करनी है। जैसे कि यहाँ से देखिए, अब देखिए ओ डी कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 1/2 इंच, कमर का चौथा हिस्सा हमें लेना है 26 का चौथा हिस्सा, यानी कि 4 × 24 = 6.5 हमारा हो रहा है, प्लस में 1/2 इंच 7 इंच, यहाँ पे हम लेंगे 7 इंच। ठीक है, यहाँ से ओ डी 7 इंच, यहाँ से भी हमारा 7 इंच हो गया। फिर हमने इसको गोलाई दे दिया। अब देखिए लंबाई हमें यहाँ से शुरू करनी है, जहां से हमें कमर के नीचे से हमें लंबाई स्टार्ट करनी है 18 इंच, यानी यहाँ से भी हमें 18 इंच लेना है और इधर से भी 18 इंच लेना है और बीच में से भी माप लेंगे हम 18 इंच, फिर इसको गोलाई दे देंगे। ठीक है, ये हमारा घेरा है। ठीक है, अब जैसे हमने ये लिखा है, जैसे ए ओ पूरी लंबाई 12 इंच, ओ बी तीरे का दूसरा हिस्सा, बी सी छाती का चौथा हिस्सा -1, और यहाँ पे लिखेंगे डी छाती का चौथा हिस्सा +1, ए से के कमर का चौथा हिस्सा +1 इंच। कमर का चौथा हिस्सा कितना हो गया हमारा, कमर का चौथा हिस्सा हो गया 26 का चौथा हिस्सा हो गया 4 × 24, ठीक है 6.5 + 7 इंच हो गया, प्लस में 1 इंच 7.5 इंच। ठीक है, अब देखिए ओ से जी गला इसका छाती का 12वां हिस्सा, तो छाती हमारी कितनी होगी 12वां हिस्सा है छाती का, 28 इंच की हमारी छाती है। ठीक है, वही हमें यहाँ पे लिखना है ओपी, ओपी यहाँ पे लिखेंगे हम छाती का 6वां हिस्सा, सिर्फ 6वां हिस्सा या फिर इच्छा अनुसार, दोनों ही सही है। ठीक है, अब इसकी घेरे की यहाँ पे लिखेंगे हम पूरी लंबाई, यहाँ पे रख देंगे इसका नाम ए, यहाँ से लेना है हमें एफ ए एफ या एफ ए एफ ए, सॉरी पहले घेरा लिखेंगे आप, घेरा
लंबाई 18 इंच, और ये हमें 2 इंच की शेप देनी है यहाँ पे गोलाई के लिए। नहीं तो हम यहाँ से लंबाई 7 इंच लिया, हमें यहाँ से भी 7 इंच, यहाँ से भी 7 इंच ले लिया, इसको गोलाई दे दिया। ठीक है, अब लिखेंगे ओ डी कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 1 इंच, ओ एफ कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 1 इंच, डी बी। अब ये लिखना है हमें डी से बी हमारा कितना है, डी बी हमारी लंबाई है, टोटल कितनी लंबाई है 18 इंच, और एफ ए बी 18 इंच, ये इसके बराबर हो गया। और ई से जी हमने 2 इंच लिया, ई जी लिया 2 इंच। ठीक है, ये हमारे फ्रॉक की ड्राफ्टिंग है। हमें चोली में आधा इंच ये लेना है, बी से एम तीरा गिराना, हमें तीरे की शेप देनी है। ठीक है, ये हमारे अम्ब्रेला फ्रॉक की ड्राफ्ट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक पसंद आएगा। थैंक यू।